तो दोस्तों है पगड़ी साफा वगैरह महाराजा गंगा सिंह जी का, और है पेंटिंग, और कोई ब्याह शादी के टाइम की पेंटिंग है सारी सारी। और टाइगर को शिकार करे है, और टाइगर ने मार गया, फोटो खिंचाली वो दरबार टाइम की। तो वो आ गए ऑफिस एरियो, है बाकी ड्रेस वगैरह है, पूरी पूरी ड्रेस है जकी, और ग्लास जो भी आपको ऑफिस को सामान हो वह बाकी ड्रेस है। तो महाराजा को यहाँ लोग ठाट बाट हो वह ड्रेस है महाराजा गंगा सिंह जी की, और ऑफिस है ये यहाँ पे मूर्ति वगैरह। और क्या साथी वाली जो डोली बोलिया करता वह डोली है, यहाँ भी डोली, और वो है पत्थर की मूर्ति रामदेव जी की, और बालाजी की, बैल जी की, और यहाँ भी डोली पाल की, भोपाल की और मारवाड़ी में डोली। तो ये डोली है, और ओम महाराजा को जीता भी अठे राज करे डबा को बाको वो है। तो और जूम कर गए और थे पढ़ लिए और जूम कर दियो और वीडियो ने रोक के पढ़ लिए। तो दोस्तों ये है जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए जो बनती थी, तो इसको बोलते हैं डोली। और ये है चीता, 70 से 80 साल पुरानी चमड़ी है, आज भी इसी प्रकार सजा के रखी है। और ये है सिंहासन, और ये भी चीता है, और ये भी हाथी की वो डोली है, इसको हाथी की डोली बोलते हैं। और ये है दोस्तों राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट सिस्टम, जो पूरी पूरी वुडन की है, तो पहली लिफ्ट है ये राजस्थान की। और यहाँ पे ये इस प्रकार का है, यहाँ पे राजा बैठ के दो आदमी पीछे और दो आदमी आगे, तो इसको लेके जाते थे। और ये भी हाथी की है, और ये है पालकी राजा की, इसको पालकी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये बंदूकों का कलेक्शन है, और ये भी कोई हाथी के ऊपर या ऊँट के ऊपर बनी, एलिफेंट होता है ये ऊँट की, जो मारवाड़ी में बोला प्लान एलिफेंट हॉल। और ये तीन आदमी आगे तीन आदमी पीछे, तो इसमें रानी बैठती थी, तो छह आदमी लगते थे, तो इसको खींच के ले जाते थे, और वो भी पाल के है। इसके दो आदमी आगे दो आदमी पीछे, वो भी पाल की है। और ये है दोस्तों रथ, बोलते हैं रथ, और वो तो पता ही है आपको उठता है। और ये कोई युद्ध की कोई ऐसी पेंटिंग है। तो दोस्तों ये है प्रथम विश्व युद्ध का लड़ाकू विमान, जो महाराजा गंगा सिंह जी को भेंट में मिला था। प्रथम विश्व युद्ध का प्राइवेट जेट है, और इसकी पूरी पूरी स्टोरी है जो इस पे है। पर वीडियो रोक के पूरी स्टोरी पढ़ लेना, मेरे को इतनी अंग्रेजी आती नहीं है। तो ये देखो दोस्तों इस महल का कुछ इस प्रकार का दृश्य है, और ये पालकी वगैरह तो आप लोगों ने देख ली, ये भी पालकी है, और एक उधर पालकी है, और ये प्राइवेट जेट है, ये कोई फॉरेनर वगैरह आए हुए हैं। ये दोस्तों गणगौर सवारी, और ये दोस्तों बुक वगैरह जो महाराजा पढ़ा करते थे, और ये भी कार्ड, और ये गढ़ का चित्र है, और इस प्रकार का है अंदर का लालगढ़ फोर्ट दिखते हैं। ये इसमें है, ये दोस्तों पेंटिंग, पधारो हमारे देश।
Ay, 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 ay. इंदिरा गांधी और ये कौन से नेता लोग हैं जिनसे मीटिंग हुई है? असली राजस्थान कला और संस्कृति यहाँ पे पेंटिंग वगैरह और ईयरली मेम्बर ऑफ विजिटर तो विजिट करके गए उनकी डिटेल्स। ये दोस्तों पूरा पूरा रेड कलम है, बहुत सुंदर गढ़ है और यहाँ पे कोई डाइनिंग एरिया है तो इसमें अंदर से दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखो तो दोस्तों यहाँ से पूरा विजिट कर लिया है तो अभी हम एग्जिट होने वाले हैं। तो यहाँ से हम गए थे उस साइड और वापस यहीं पर आ गए। पूरा गढ़ विजिट हो चुका है और जहाँ से हम यहाँ से गए थे उस साइड से और पूरा ऊपर का और इस साइड का सारा कवर करके तो यहाँ पे दोस्तों पूरा गढ़ विजिट करके यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और ये दोस्तों रेड फोर्ट और ये नीला आसमान, शानदार व्यू आ रहा है दोस्तों। और ये देखो इतना शानदार जरोखा और पूरा का पूरा रेड फोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री, तो एंट्री करते टाइम तो दिखाने नहीं दिया था, उन गाइड लोगों ने मना कर दिया था, पर अब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से एंट्री करते ही कुछ इस प्रकार का व्यू आता है तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं और देखो तो कितनी हाइट है और यहाँ पे सब फॉरेनर। ये देखो और इस साइड से ऊपर जाते हैं, अब चलते हैं दोस्तों। जाते जाते टाइम दिखा देते हैं आपको, यहाँ से एग्जिट है और वो उधर टिकट काउंटर है, 100 रुपये पर पर्सन। कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री किया था और ये गेट है और यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बड़ी किले लगी हुई है, तो ये हाथी वगैरह को रोकने के लिए यूज की जाती थी। यहाँ पे क्या है, हाथी सिर मारता था तो हाथी को रोकने के लिए, ताकि ये गेट को ना तोड़े। तो ये देखो इस साइड हाथी का लगा रखा है, हाथी को शराब वगैरह पिला के और उसको पागल कर देते थे। इस गेट का नाम है सुरजपोल। हाथी टाइम तो दिखाने नहीं दिया था जंगल। ये भी बाहर से भी कुछ इस प्रकार का है तो हाइट बहुत ज़्यादा है। देखो दोस्तों यहाँ से आते टाइम दिखाने नहीं दिया था तो अभी दिखा रहा हूँ मैं। और ये सुरजपोल इस साइड अंदर जाते हैं और ये सब फॉरेनर आए हुए हैं। तो चलो अभी चलते हैं, अभी जाने का टाइम हो गया है। और ये भी गेट हाथी के लिए लगा हुआ है। महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट बैंड, ये बैंड। तो दोस्तों शानदार व्यू आ रहा है, नीला आसमान और रेड बलुआ पत्थर में पूरा फोर्ट तैयार हुआ है, तो व्यू शानदार आ रहा है। और ये एग्जिट के लिए, यहाँ से अभी एग्जिट करते हैं और वो है मेन रोड। तो ये हाथी वाला लगा हुआ है सिस्टम यहाँ पे किले के अंदर और यहाँ से एग्जिट है। तो दोस्तों ये है गढ़ के बाहर का दृश्य। ये देखो इतनी गहरी खाई, गढ़ के चारों में इतनी बड़ी खाई बना रखी है और वो गढ़ का है बाहर का। और ये एंट्री करने के लिए है दोस्तों, हम विजिट करके आ चुके हैं और अभी हमारा जाना है। तो जाते जाते हमें ये भाई मिल गए तो इनसे ये सॉन्ग सुनते हैं। तो दोस्तों इनसे कुछ आप भी सुना करो ताकि इनको भी 2 रुपये आमदनी हो, तो हम इनसे घर राजा परदेसी सुनेंगे। तो चलो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं घर राजा परदेसी।
काफी अच्छा गा रहे हैं, बजाते भी अच्छे हैं। इसको रावण हत्ता बोलते हैं ना। हाँ, ये रावण हत्ता है और अपने राजस्थान के कल्चर में भी एक अहम रोल रखता है। इसके बिना राजस्थान का संगीत अधूरा है। तो ये दोस्तों आते हैं तो गढ़ के बाहर या कहीं भी आपको मिल जाते हैं तो इनको ज़रूर से सुने और इनको ज़रूर से सपोर्ट करें। आप लोग भी 10 20 50 में अपना कुछ नहीं जाता है। तो देखो दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा अपने पूरे राजस्थानी पहनावे में, मूछे, ये सापा, ये देखो मूछे कितनी बना रखी है, और ये ड्रेस एकदम पूरा का पूरा राजस्थानी कल्चर को फॉलो कर रहा है। ये दिखाना चाहता है कि अपने राजस्थान में ऐसा कल्चर है, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम यही लोग हैं जो अपने राजस्थान के कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों, जूनागढ़ तो विजिट करवा दिया और अभी सबसे ज़्यादा वायरल रहती है रामपुरी हवेली। तो अभी मैं जा रहा हूँ रामपुरी हवेली विजिट करवाने। तो उस साइड का व्यू काफ़ी अच्छा है, तो रामपुरी हवेली लेके चलते हैं। तो मैं बैठ गया हूँ ऑटो में और ये ऑटो वाले भाई साहब बैठे हैं और अभी चलते हैं रामपुरी हवेली। भाई लोगों, बीकानेर बहुत शानदार सिटी है, साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो पूरा एकदम जो लाल पत्थर में है, तो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। तो पूरा का पूरा आप देखो लाल ही लाल कलर में है। तो दोस्तों, अभी रामपुरी हवेली जा रहे हैं। तो इन्हें ये देखो मार्केट को पूरा पूरा दोस्तों एकदम साफ सफाई बढ़िया। देखो एक भी दुकान का कोई भी कूड़ो कचरो गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम साफ सुथरो। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ रामपुरी हवेली और यहाँ से आपको दिखाते हैं दृश्य। देखो रामपुरी हवेली के पास में यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है। ये देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं रामपुरी हवेली। ये है वो जो आप लोग रील्स में सब जगह देखते हैं, वो है, इसको रामपुरी हवेली बोलते हैं। तो ये देखो, दोस्तों इतनी सुंदर हवेली है, इसको बोलते हैं रामपुरिया की हवेली। तो ये देखो दोस्तों, इतना शानदार व्यू। ये देखो यहाँ पे, ये देखो फॉरेनर भी आए हुए हैं और बाहर से विजिट करवा देता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा फ़ोन अभी स्विच ऑफ होने वाला है और चार्जिंग की कोई व्यवस्था है नहीं, इसीलिए मैं अंदर से विजिट नहीं करवा पाऊँगा। फिर कभी बीकानेर आना होगा तो ज़रूर से। ये दोस्तों बीकानेर में पड़ती है। तो ये देखो यहाँ से शानदार व्यू।